अस्सलामु अलैकुम यस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट नाइला मनाप। आज आपके लिए बना रही हूँ चिकन पास्ता और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं पास्ता और हाफ टी स्पून मैंने जिंजर और गार्लिक लिया, हाफ हाफ टी स्पून दोनों ऑयल जाएगा, जीरा, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, सॉल्ट और सूखा धनिया, ठीक है। ऊपर से बाद में चीज, सोया सॉस चाहिए पास्ते की और ये चिकन। आइए अब शुरू करते हैं। पानी मैंने उबलने के लिए गर्मी रख दी हूँ मैं। अब इसमें डालते हैं सॉल्ट, मैं दो चम्मच ये मैंने चिकन डाला है। इसी के साथ मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ। ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये पास्ता हमारा। तो अब मैं इसमें पानी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी खुद पानी बहुत होता है चिकन में, तो ये मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी जब तक हमारा पास्ता होता है, साथ ही ये चिकन भी रेडी हो जाएगा। और आप सुनाए, आप लोगों के कमेंट्स चाहिए, लाइक और शेयर चाहिए ताकि हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बना के ला सकें। देखें व्यूअर्स, अच्छे से मिक्स हो चुका है ये सारा मसाला इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए डाल देंगे, 5 मिनट के लिए, और ये पक जाएगा। और हमें कमेंट करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बना सकूंगी। अच्छा व्यूअर्स, पानी उबल चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता। अब जब तक ये पास्ता होता है तो आपसे मिलती हूँ 5 से 10 मिनट बाद। बस ये देखें, इस चिकन का खुद का पानी काफी हो गया, इसलिए इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये क्योंकि स्मॉल है बोटी में, तो इसलिए ये 10 मिनट में हो जाता है, इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ये देखें व्यूअर्स, पास्ता हो रहा है, बहुत अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। और आप भी बनाएं और अपने बच्चों को भी दें। और ये देखिए, बस हमारा पास्ता होने वाला है, 5 मिनट हुआ और इसके बाद माशाल्लाह सारा रेडी हो जाता है। अच्छा ये देखिए, बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब भून भी चुका है, क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और जैसे ये पास्ता रेडी होता है तो उसमें डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। और आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ये देखें किस तरह अच्छे से गल गया, ये 10 मिनट लगे बहुत मुश्किल से। आप इस तरह बना के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
Mm-hmm.